प्रेमी के साथ फरार हुई दो बच्चों की मां। 7 दिन बाद प्रेमी ने ठुकराया, पहले पति ने भी रखने से किया इनकार। प्रेम, प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये वो शब्द हैं जो अपने पूर्ण नहीं हैं, फिर भी लोग गफलत में प्रेम, प्यार, मोहब्बत कर बैठते हैं। नया मामला सरसी थाना क्षेत्र के पारसमनी गांव की है, जहां लड्डू पासवान की पत्नी सुनीता देवी अपने पड़ोसी रितेश कुमार शाह के साथ 13 मार्च को अपने 2 छोटे बच्चों को घर पर छोड़कर फरार हो गई। मजदूरी कर शाम में लौटे पति लड्डू पासवान को जब अपने बच्चों से पता चला कि उनकी पत्नी रितेश कुमार शाह के साथ फरार हो गई है, तो उन्होंने सरसी थाने में जाकर पत्नी को ढूंढने के लिए आवेदन दिया, मगर 17 मार्च तक कोई पता नहीं चल सका। 18 मार्च को अचानक उनकी पत्नी घर पहुंची, जिसे देखकर पति लड्डू पासवान हैरान हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कहां गई थी, तब उन्होंने बताया वो लगभग 1.5 साल से पड़ोस के ही रितेश कुमार से प्रेम कर रहे थे। 13 मार्च को उसके साथ अपने 2 बच्चों को छोड़कर दिल्ली चली गई थी। जब वहाँ पैसा खत्म हो गया तो वापस घर आ गई। इस बीच समस्तीपुर में ही प्रेमी रितेश कुमार शाह मुझे छोड़कर भाग गया। वहीं पहले पति ने पत्नी को रखने से इनकार कर दिया है, दूसरी ओर प्रेमी के परिजन ने भी महिला को रखने को तैयार नहीं है। आइए देखते हैं महिला के साथ परिजनों ने क्या कहा इस वीडियो में। क्या हुआ है आपके साथ, क्या क्या मामला? हमको साथ धोखा दिया है। के धोखा दिया? रितु कुमार। रितु कुमार कहाँ का है? सरटिया पर का। क्या हुआ आपके साथ, हुआ क्या? 1-1.5 साल से सर हमसे बात किया हूँ। अच्छा। बात किया नहीं से बात करते करते हमको रिकॉर्डिंग पकड़ाया, रिकॉर्डिंग पकड़ा हमारा पति मारा हमको। अच्छा। बोला तुम क्या उससे बात करते, हम बोले सर ठीक है हम नहीं करेंगे बात। नहीं करते थे बात, वो अपना जो उसका संग साथी था उसका पास मोबाइल किन के भेजा हमको देने के लिए। अच्छा। दिया तुम अपना सिम लेकर हम सर बात किए उससे, तो फिर जब मोबाइल पकड़ा गया सर जब अति हो गया तो फिर सर 800 मोबाइल हमको किन के दिया। जब ऐसे हुआ ना तो हमको मारा, बोला कि तुमको अगर गंजन करता है तुमको मारता पीटता है चलो हम तुमको रखेंगे, हमारे चलते हैं तुमको मारता पीटता है। हम गए सर, हमको वहाँ दिल्ली ले गया, दिल्ली सर वहाँ बहुत ही सब बात हो गया। उसका मम्मी आज फोन किया, उसका दीदी की बोला कि तुम्हारा मम्मी पानी चढ़ रहा है तुम आओ यहाँ, तो बोला कि चलो मम्मी वहाँ पानी चढ़ता है चलो वहाँ पे। हम लोग आए समस्तीपुर तक सर, उसका गए हम लोग लहाए, उसका यहाँ पप्पा गया, उसका बड़का पापा भाई सब गया मिलकर वहाँ पर मोबाइल तोबाइल जितना फोटो वोटो सिम तिम सब खोल को ले लिया। हमको जबरदस्ती मोटरसाइकिल बैठा के लड़का को वहीं छोड़ दिया। तो तुम्हारे कितना देर से संपर्क था? 1.5 साल से। तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध भी बनाया है? जी सर। शादी वादी किया है? वहाँ पे इधर कौन स्टैंड पड़ता है वहीं पे सर हमको मांग में सिंदूर और किन का सब चीज दिया। वही रितु कुमार फोटो ने सर सब डिलीट कर दिया मोबाइल का। अच्छा, ये जो सिंदूर डाला था उसमें कौन कौन शामिल था? कौन था सर, हम ही दोनों थे वहाँ पे, वही था। तो अब क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं जब हम उसका संग में गए तो हमारा पति नहीं है ना हमको रखेगा, अब हम तो रखेगा वही ना। समस्तीपुर से आप कैसे आए? समस्तीपुर से यहाँ से गया था सर, 4 लोग हमको वहाँ से लाया, वहाँ से आपका परिवार? ना, वही लड़का का परिवार। आप बोले मोटरसाइकिल पे जाके छोड़ दिया? मोटरसाइकिल पे छोड़ा नहीं सर, लड़का बोला कि हम बोले कि जब लड़का जाएगा तब हम जाएंगे, बोला कि नहीं वो उसका मोटरसाइकिल पे बैठ कर मत जा तुम, ये मोटरसाइकिल पे बैठो। हम बोले नहीं हम वही बैठेंगे, बोला ठीक। उसका दीदी का बेटा उसको बैठा लिया पीछे, उधर जाकर अथी कर दिया, ये सब हमको बैठा के जबरदस्ती यहाँ पर आन लिया। लड़का को वहीं रख लिया। 4 बजे भोर में जब सर हमको यहाँ लाया, उसका मम्मी बड़की मम्मी क्या नाम को मुँह में खिला रहा था ठूस ठूस कर, तब हम उसका मम्मी लड़का की मम्मी उसका बड़की मम्मी अपने यहाँ लेके गया था ना, वहाँ पे मनिहारा दुकान पे रखा था हमको, अपने यहाँ लेके नहीं गया, गया था। अब जब हम क्या दिन हुआ आपको यहाँ आने से? 7 दिन 13 तारीख को हम लोग यहाँ से गए। तब से कहाँ रह रहे थे? दिल्ली में। दिल्ली अभी जब आप यहाँ आए हमको वो टीम बंद किया था सर। यहाँ कब आए, कितना दिन पहले आए, फिर दिल्ली से कब आए? सुबह वहाँ पर समस्तीपुर में उठले 11 बजे रात में। कौन दिन, कितना दिन पहले? रात ही, आज रात में। हाँ, और आज ही सवेरे यहाँ पहुँचे? हाँ, 4 बजे 1 बजे हमको यहाँ पे लाया 4 बजे। तो आप उसके घर पे जाते हैं? गए तो क्या हुआ उस लड़का घर पे? हाँ? उसका मम्मी पापा बोलता है हम नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे नहीं। तो तुम कहे नहीं कि हमारी शादी हो गई है? बोले सर, बोला कि हमारा बच्चा अभी नवाला है, तुम उसको पटा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, हम तुमको नहीं रखेंगे। लड़का क्या बोला? लड़का पहले बोला सर हम रखेंगे तुमको, हम लड़का यहाँ पे बैन किया तो हम क्या बोले?
तो अभी पंचायत बैठा है? सुबह बैठा था। पंचायती में क्या सब पंचायती में जब हम बोलते हैं तो सर सरपंच मुखिया सब हमको धोप लेता था, बोलने नहीं देता था, बोलता था थाना हम केस करेंगे करेंगे, तुमको ले जाएगा पकड़ कर ही करेगा वो करेगा। जी सर। तो अब तुम क्या करोगे? हम रहेंगे यही लड़का के पास रहेंगे। तो अगर ये नहीं रखता है तो क्या करो, केस करोगे? हाँ केस करेंगे हम। किस पे? लड़का पे? लड़का पे, उसका माँ बाप पे जो हमको जबरदस्ती यहाँ पे लाया है उस पे हम केस करेंगे। अच्छा वो पति का क्या मामला है? अल्लाह बात पुराना पति से क्या संबंध है? क्या क्यों हो? वो लड़का जो तुम्हारी शादी कब हुई थी? जिस दिन हम लोग यहाँ से गए। शादी कब हुई? पहले वाले लड़का से कब शादी? 2013 में हमको शादी हुआ था सर। दो बच्चा 2013 में? हाँ। उससे दो बच्चा भी है? हाँ। क्या क्या नाम है उसका? मयंक मनिका। कितना कितना उम्र है? एगो सर 5 साल होता है, 6 साल। दोनों का वही है? हाँ। तो अब तुम्हारे ऊपर जब तुम यहाँ आई तो लड़का का से तुम्हारी वो लड़का बोला, जब हम बोले ना सर, बोला ना कि भागने के लिए, हम बोले कि हमको 2 बच्चा भी आप रखिएगा, बोला कि ठीक है हम तुमको रखेंगे, पहले 1-2 महीना बाहर रहेंगे फिर आएंगे तो मम्मी पापा रहेंगे लेके चले जाएंगे उसको भी। ये बात हुआ? हाँ सर। तो दिल्ली में कहाँ रखा था? नहीं दिल्ली में वहाँ सर जब हम लोग गए ना नहीं मिला रूम तुम तो यहाँ पर अपना मम्मी का फोन किया, उसका मम्मी यहाँ से पैसा भेजा मोबाइल पे, तो पैसा लेकर फिर रोक लिया। हम लोग वहाँ 3,000 में टिकट कटाए बस से आए तब यहाँ क्या बोलता है भागलपुर में नहीं मिला फिर पैसा इसका मम्मी यहाँ से भेजा तब हम लोग यहाँ तक आए। तो मतलब कि अगर आपको नहीं रखता है वो लड़का, अगर उसके यहाँ पंचायती भी आपके साथ नहीं है तो पहली गलत बात है कि पंचायती नहीं करना चाहिए मामला, क्योंकि संज्ञान कोर्ट का मामला है, पुलिस थाने का मामला है। तो थाना वाला में कोई आवेदन वेदन दिए हैं आपको? नहीं दिए आपके तरफ से पढ़ा है जी, उनके तरफ से जी, पहले वाला लड़का तरफ से पढ़ा है, लड़का तरफ से पहले वाला लड़का है, मेरे पास आवेदन दिया है, दिया होगा सर, हमको पता नहीं चाहता है कि नहीं जो पहले वाला, अभी वाला लड़का जो पहले जो शादी की थी जिससे 2 बच्चे हैं वो रखेगा तुमको? नहीं रखेगा सर। तो अब तुम क्या करोगे? हम आत्महत्या कर लेंगे। क्या नाम है? सुनीता देवी। घर कहाँ है? पारसबनी। वार्ड नंबर 2 पड़ता है। छे। आपका मायके कहाँ है? नामलगढ़। चंपा नगर। हाँ। क्या हुआ है? आपकी पत्नी भाग गई, शादी भी कर लिया, क्या मामला? सर मामला हमको कुछ भी नहीं पता, ये जो भी पता है इसी को पता है, लेकिन हम इतना चाहते थे इसको कोई चीज़ का हम कमी नहीं रखे, इसको कोई चीज़ का भी नहीं, पता नहीं ये कैसे ये काम कर लिया, 2 बच्चे भी थे इसके साथ, इसको खुद समझ होना चाहिए लेकिन ये कैसे कर लिया पर भगवान जाने, लेकिन हम अब जो है कि हम इसको रखेंगे भी नहीं, जब हमारा इज्जत और कोई ले लिया है तो हम उसको इज्जत काहे के लिए अब करेंगे, और वैसे भी अपना घर में भी नहीं रखेंगे। आपको कब पता चला कि इनका कहीं का प्रेम प्रसंग चल रहा है? ये जब ये 13 तारीख को भागा है उससे 2 दिन पहले हमको पता चला है प्रेम प्रसंग। हाँ तो आपको पता था कि लड़का यहीं का है या कहीं का? नहीं सर यहीं का है। तो आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिए? लिए थे सर, लिए थे, उसको डांट धोप भी किए, इसको भी मारे पीटे थे एक बार, लेकिन ये फिर भी। आपकी पत्नी कब भागी? 13 तारीख को भागा था 1 बजे। बच्चा को साथ? हाँ बच्चे को छोड़ करके हमारे पास, हम 1 बजे काम पे चले गए हैं, इधर ये 2 बजे से निकल गए हैं, बच्चा अभी ननिहर में छोड़ के आए हैं, हम क्या करते हैं, हम इधर उधर अभी हम अपने टेंशन में हैं, बच्चे भी हमारे साथ में क्या करता है। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम तो सर यही चाहते हैं कि हम अब इसको रखेंगे नहीं, अब जो है उसी को देखिए। अच्छा तो इसको तुम्हारी वाइफ का अपहरण हुआ या कोई लेके भागा? हाँ थाना में FIR दर्ज? हाँ हाँ कि हाँ कराए हैं सर, पर्चा दी। FIR हुई? हाँ हाँ सर। तो पुलिस क्या बोली? पुलिस सर यही बोला कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, जाओ जहाँ जाना है वहाँ करा लो। नहीं तो यहाँ तक वहाँ पे जो है ना कॉपी दे दिए हैं सर, ओरिजिनल कॉपी दे दिए हैं, और ये लोग इसको ये भी पूछे किसका किसका हाथ है सर भगाने में, ये भी बताएगा सर, और इसको लाया वही भगाने वाला ही लेके आया। तो भी बता दो कौन कौन इसमें हाथ है? इसमें विक्की का भी हाथ है। विक्की का पिता का क्या नाम है? अब ये पता नहीं, वही जाने क्योंकि हमको जो पता चला वही सब। और कौन कौन है ये तो और पता नहीं है सर, वो सब जानता है, उससे पूछिए वो बताएगा सर।
और बाकी बात हमको जानकारी नहीं रखेंगे। नहीं नहीं सर, हमने हाँ हम नहीं रखेंगे सर। क्या नाम है? लड्डू पासवान। घर का? घर कोठिया है सर। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 6 पड़ता है सर। हम यहाँ यहीं पे शादी ब्याह किए, यहीं से अपना ननियर में ही रह रहे थे सर। हाँ ननियर में। हाँ आपकी बेटी ये ऐसा तैसा सा मामला आया सर, तो हम ब्याह करा दिया, अपना ससुराल से भगा है, उसको मेंटेन नहीं किया तब ना भाग दिया। इतने बात हम वो विशेष बात नहीं जानते हैं, उसको घर से भगा है। आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं कि आप चाहे वो जहाँ किया है वहाँ रहिए, चाहे नहीं रहिए, चाहे मर जाए चाहे खप जाए। तो आपको लगता है कि जो है ससुराल पक्ष इसको सपोर्ट नहीं? ससुराल पक्ष में कोई नहीं है तो कौन रखेगा? हमको बेटिया तो माया लगेगा तो रखेंगे, क्या करेंगे? जेले को भगा है, दो बच्चा है तो दो बच्चा को हम पोस रहे हैं, बच्चा को दुख नहीं देंगे, हम पोस रहे हैं। बेटी को अगर वो भी नहीं रखता है, वो भी नहीं रखेगा हाँ अब रखेंगे। चाल खराब कर दिया है ना, ये चाल बहुत। आपका क्या मांग है? आप क्या मांग करते हैं? क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? वो जो ले गया है उसको कानून करवा करेगा, वो उसको घर वाला करेगा, जिसका पर हाँ सर जिसका कानूनी कार्रवाई हो, वो जो ऐसा किया है। हाँ सही। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? हमको जुला देवी। घर कहाँ है? चंपानगर 7। हाँ बेटी। क्या बेटी है? सुन कौन बेटी की? बेटी को सुनीता। उसका चाल चलन जो है सब दिन तक वैसा ही है। कैसा? नहीं कभी भी नहीं एक लोटा पानी, नहीं कभी कुछ नहीं। हम तो ननद हुआ उसका, कभी नहीं पूछा, कभी नहीं। तो एक तो ससुर जो बूढ़ा है उसको अभी एक रोटी खाने के लिए भी नहीं देता है, नहीं देती, कभी नहीं। तो ये जो आप लोगों को पता है कि ये जो भागी है जिस लड़के के साथ एक सप्ताह पहले, इसके बारे में आप लोगों को पहले से जानकारी नहीं थी क्या? नहीं सर, ये जानकारी नहीं। देखिए हम ससुराल वाले हैं, हम यहाँ कैसे जानकारी लेंगे? मतलब तो आती हाँ। थी आप तो उनका बिहेव आपके साथ कैसा हाँ। रहता था, कुछ तो जानकारी होगी? आती थी, दोनों में खटपट होते रहता। बात बताइए, अभी जिनका दो छोटा बच्चा है इनको लेकर आप लोग क्या सोचे हैं, इनका भविष्य क्या है? सर हम उसका एक मिनट, भविष्य क्या होगा? जब उसका मम्मी ने सोचा भविष्य क्या होगा तो मेरा बच्चा है, यहाँ भी रहेगा वहाँ भी रहेगा। तो आप लोग इनके परिजन हैं लड़के की तरफ से, तो क्या चाहेंगे कि वो लड़की इस लड़का के साथ फिर जीवन गुजर बसर करे आगे? नहीं तो साफ है बोलता है कि हम गुजर नहीं करेंगे, तो उसको रख के क्या करेंगे? हम नहीं रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं। जब मेरा भाई देखबे ना करेगा, मेरा बच्चा देखबे ना करेगा तो ऐसा लड़की रहेगा का? क्या नाम? रोमा देवी। घर का? घर हुआ परोरा। वार्ड नंबर? हाँ 15। क्या है इस बच्ची के बारे में आप लोग आए? ये पहला ससुराल इसका यहाँ था। अच्छा। और यहाँ पे क्या क्या मामला हुआ कि वो लड़की को एक लड़का यहाँ से सावजी का लड़का लेकर चला गया, अब ना ये यहाँ वती कर रहा है ना वो रख रहा है, तो इस लड़की को ले जाकर घर उसके माँ के साथ ले जा रहे हैं। तो आप लोग क्या मांग है, क्या चाहते हैं? इसका इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर छोड़ देंगे तो कहाँ रहेगी? न वो रख रहा है न वहाँ जा रहा है। तो आप लोग चाहते हैं कि प्रशासन इस पर पहल करके इंसाफ दिलाए? हाँ, ये खबर आप देख रहे हैं प्रशासनिक तौर पे लोग तो इस पर अमल करें और त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको इंसाफ दिलाई बच्ची को। क्या नाम है आपका? अखिलेश दास। घर का? रामनगर। क्या है? सामाजिक लोग? सामाजिक रिलेशन चाचा लगते हैं। मेरा नाम सुशील कुमार पासवान हुआ और हम गांव समाज के आदमी हैं, और जब सुने इनकी मम्मी गई मेरे पास कि सुशील इस तरह का बात है, तो हम लोग यहां पे आए, हर एक सिचुएशन को देखे, पंचायती सबको देखे, तो यहां पे जो है इंसाफ इनको नहीं मिलने वाला है, और प्रशासन में भी जो है यहां पे इंसाफ जो नहीं के बराबर है। हाँ तो लड़की जो है बोल रही है कि हम जीवन हत्या कर लेंगे, तो हम लोग सोच रहे हैं कि जीवन हत्या से नहीं है, उसका निर्णय तो नहीं निकल सकता है, लेकिन हम लोग जो है लड़की को सोचते हैं कि अभी उनका मायके जो है पहुंचा दिया। की क्या मांग जी? हम लोग का मांग यही है कि जो हम लोग का मूल है, अगर अधिकार है कि हम लोग का न्याय मिलना चाहिए, अगर नहीं रखता है तो कानूनी प्रक्रिया। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल करेंगे केस। जी जी जी। क्या नाम है? जी मेरा नाम सुशील कुमार पासवान हुआ। घर का? घर रामनगर कोबरा हुआ।